स्वागत है मित्रों एंड मित्राणियों। तो गाइस, दो बीवियां रखने का तो मानो एक ट्रेंड सा चल गया है। अच्छा, पहले हमारे अरमान मलिक और दूसरे हैं सनी राजपूत और तीसरे हैं हमारे शायरी के बादशाह मुनावर फारूकी। लेकिन बातें ऐसे जैसे गारा में कव्वाली। मुनावर फारूकी की पहली गर्लफ्रेंड है नाजिला और दूसरी गर्लफ्रेंड है आयशा खान। ठीक है। सो गाइस, मुनावर फारूकी को एक्सपोज किया उनकी दूसरी गर्लफ्रेंड ने आयशा खान ने, जो बिग बॉस में रिसेंटली अभी आई हैं। सो ऐसा कहना था कि मुनावर ने उनको मैसेज किया था इंस्टाग्राम पर उनकी रीले सीले देख कर, तुम्हारी जैसी लड़कियों के साथ तो शादी की जाती है। मतलब ये वर्ड थे मुनावर भाई के। नॉटी हो रहे मुनावर भाई, नॉटी हो रहा। मुझसे कह रहे थे कि आई लव यू, आप जैसी लड़की से तो शादी करना चाहिए। तो क्या गलत बोल दिया मुनावर भाई ने? अरे मैडम, जब इस तरह की अदाओं वाली रील्स बनाओगी तो हर बंदे के मुंह में पानी आ जाएगा। बात तो सही है। अब भाई अपनी पहली वाली गर्लफ्रेंड नाजिला को टाइम नहीं दे पा रहा था, तो कुछ टाइम के लिए आयशा को दूर क्या किया, तो मैडम जी ने चीटिंग का इल्जाम लगा दिया भाई पे। तो आप अगर रिलेशनशिप में नहीं है और किसी को बोल रहे हैं कि आप मेरे साथ रहे, तब आप चीट कर सकते हैं। भाई चीटिंग तक तो ठीक था, लेकिन आप कह रही है कि मुझे तो लूट लिया मुनावर ने। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या चल रहा है बिग बॉस में। कभी यहाँ पर प्यार की जोड़ियाँ बनाई जाती हैं, तो कभी लड़ाइयाँ कराई जाती हैं। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। भाई मैं सच बता रहा हूँ, एक दिन ऐसा आएगा बिग बॉस में कि एक भाभी आएगी अपने बच्चों के साथ और बोलेगी कि मुनावर मेरा पति है। सही पकड़े हैं। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना यार। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय।